ये बताएं, अगर लड़के पैसों पे, लड़कियां पैसों पे मरती हैं तो लड़के किस पे मरते हैं? लड़के अच्छे फिगर पे। आओ, ज्यादा खूबसूरती किसमें पाई जाती, लड़कों में या लड़कियों में? लड़कों में। अच्छा, लड़कों में पाई जाती है? लड़कों में पाई जाती है। लड़कों में कैसे पाई जाती है? वो बस हल्का सा नहा लें, कॉम करने को मार लगते हैं और मेकअप करना पड़ता है। बिल्कुल, मेकअप करके भी कुछ लड़कियां अच्छी नहीं लगती। लड़के मुंह धो के ही मार लगने लग जाते हैं और लड़कियां मेकअप करने के बाद भी अच्छी नहीं लगती। ये तो कतई सच बोल दिया दीदी ने। बट मेरे जैसे भी बहुत सी लड़कियां हैं जो मुंह धो करके निकल जाती हैं बाहर बिना मेकअप किए। सो गाइस, वी एग्जिस्ट। निकल। इस लॉकडाउन में जैसे काफी सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, घर में खाने को नहीं है, घर नहीं चल पा रहे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं लोगों की बात क्या करूं, मेरा खुद का बिजनेस ठप हो गया। रुको जरा, सबर करो। आप कभी क्या काम कर रहे थे आप? हमारा बसों में काम था। आपने खुल के नहीं बताया क्या काम करते थे आप? जेब कतरे थे हम। भाई साहब, बंदा इतना सीरियस खड़ा, मुझे लगा भाई बस ड्राइवर होगा या फिर बस कंडक्टर होगा। जेब कतरे थे हम। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अरे बाप रे। इतना भी सच नहीं बोलना था भाई, सही कह रहा है ये। नेक्स्ट। विवेक जी ने कश्मीर फाइल्स बनाकर हमारे देश के एक बहुत बड़े दर्दनाक सच को सामने रखा है। जी, ये फिल्म एक ऐसी वेव बन के आई जिसने हम सबको झंझोर कर दिया। और बात है कि मेरी पिक्चर को भी डुबा दिया। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि शिट यार। ये तो दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, पेन हो गया इनके साथ यार। लिटरली जब कश्मीर फाइल्स आई थी और अक्षय सर की भी एक मूवी आई थी और उस टाइम पे सब कश्मीर फाइल्स से देख रहे थे। दुख में कुछ ज्यादा ही सच बोल गए। मैम आई डोंट नो कि डबल सवारी लगी है। आई नीड जी, बट आई डोंट नो, आई सी दिस न्यूज बट आई डोंट। अरे कहना क्या चाहते हो सही में? ये साथी है, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कल न्यूज नहीं देखी। भाई नहीं आती तो मत बोलो यार, हिंदी आती हिंदी में ही बात कर लो, क्या फर्क पड़ता है? इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, यू नो ना। हिंदी में बात करो, सामने वाले को इंग्लिश में सुनने का शौक है तो उसको बोलो अपने साथ एक ट्रांसलेटर रख ले। भैया हम तो हिंदी में बोलेंगे।